मुझे क्या जरूरत है किसी की शादी में व्यवधान डालने की। अरे जानता भी है, किसी मुलगी की शादी तुड़वाना इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। अरे वो खंडो, वो मुक्ता का और गुना की शादी तोड़ने वाला था, लेकिन मुक्ता की माँ ने साफ साफ कह दिया, मेरी बेटी की शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ गुना के साथ ही होगी। सावित्री, तुम ये रिश्ता तुड़वाना क्यों चाहती हो? आई ने इतनी मेहनत से रिश्ता ढूंढा है। आई, मैंने बहुत गलत किया ना सावित्री की दोस्ती तोड़कर। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरे पिता ही मेरे सबसे बड़े शत्रु, क्योंकि वो मुझे पढ़ने नहीं देते। तेरे पिता और तुम्हारे शत्रु? हाँ, मेरे पिता मेरे शत्रु हैं और ये समाज। आज से तुम्हारी पढ़ाई बंद, कोई जरूरत नहीं है इसकी। कल से तुम हमारे साथ काम पर चलोगे, समझ गए? आज मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा ज्योति। छोड़ माला, छोड़ माला, संकेता ना छोड़, छोड़ माला। तुम्हारे पिता तुम्हें शत्रु इसलिए लगते हैं क्योंकि वो तुम्हारे लिए समाज के प्रतिनिधि, उस समाज के प्रतिनिधि जो बहुत सी रूढ़ियां और कुरीतियों से भरा पड़ा है, वो समाज जो गुलाम है और उसे खबर तक नहीं। अभी तुम जिस उम्र में हो, उस उम्र में समाज से तुम्हारा सामना सीधे तौर पर नहीं पड़ता। तुम समाज के विरुद्ध जो भी करते हो उसका सामना तुम्हारे पिता को करना पड़ता है। समाज तरह तरह से उन्हें अपमानित कर तुम्हारे विरुद्ध भड़काता है। शूद्र का बेटा पढ़ रहा है, यही सबसे बड़ी गलती है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे बेटे की भलाई इसी में है कि वो पढ़ाई लिखाई छोड़ छोड़, क्योंकि वो ये जानता है कि इस समय अगर तुम्हें कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ तुम्हारे पिता है। वास्तविक शत्रु तुम्हारे पिता नहीं बल्कि वो समाज है जो तुम्हारे पिता को तुम्हारे विरुद्ध हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तुम अपने पिता से लड़ने में अपनी शक्ति व्यर्थ मत करो, बल्कि बिना उनसे लड़े अपने आगे की योजना बनाते रहो। जहाँ जरूरत हो वहाँ शांत भाव से उनसे बात करो और उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करो। अरे शांता, अरे तू यहाँ? वो थई लकड़ियाँ लेने आई थी, तेरी मुलगी की शादी है ना, और घर पे कितने काम होंगे। और तुझसे आई ने कहा था ना कि कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ले। अरे नहीं ताई, मैंने आपसे कहा ना छुट्टी की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी हम लोगों में आप जैसे धूमधाम से शादी नहीं होती। बस दूल्हा और दुल्हन देवी माँ के मंदिर जाते हैं और माला बदल देते हैं, अब इसके लिए क्या छुट्टी और क्या तैयारी। अच्छा जैसी तेरी इच्छा। अच्छा शादी की तारीख पक्की हो गई ना? अब ताई तिथि और तारीख हम क्या जाने, बस गुना कल आ रहा है शादी के लिए। शांता, मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ। भला कौन माँ चाहेगी अपनी बेटी को एक बूढ़े के हवाले करना। ताई, ताई मैंने दिल पे पत्थर रख के अटिल भाऊ का इस रिश्ता तोड़ने से मना तो कर दिया,
मेरा ही मन मुझे काट रहा है। ताई, ताई मुझे लग रहा है कि मैं अपने ही हाथों से अपने मुलगी की जिंदगी में आग लगा रही हूं। मैं तो नरक की आग में जलूंगी ताई, मैं तो नरक की आग में जलूंगी। चुप हो जा शांता, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। गलती है तो इस समाज की, जिन्होंने बूढ़े के साथ एक छोटी सी बेटी की शादी की मान्यता रखी है। ताई, ताई, मेरी तो एक तरफ कुआ है और एक तरफ खाई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मुक्ता को कुएं में फेंकूं या खाई में धकेलूं। फिर मैंने सोचा कि उसे जिंदगी भर कुंवारी रखने से अच्छा है उसे गुना जैसे किसी आदमी के साथ बांध दूं। ताकि उसके सर पर एक छत रहे। इस खूंखार दुनिया में कोई तो होना चाहिए उसे बचाने के लिए। शांता, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तू वो ही कर रही है जो जो इस समय हर माँ करेगी। पता नहीं लक्ष्मी ताई, मैं सही कर रही हूं या गलत। देखिए, ये तो मेरा ही रोना लेके बैठी। आप सोचेंगी ये काम छोड़ के ये क्या सुना रही है। नहीं शांता, तू जब भी मेरे पास आती है ना और अपने मन की बातें करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इन मर्दों की दुनिया में हम औरतें ही तो हैं, एक दूसरे का सहारा। अच्छा तो यही रुक, मैं अभी आती हूँ। जी। शांता। हाँ ताई। ये रख। ये किस लिए ताई? हम कुछ और तो कर नहीं पाए, और मुक्ता हमारी भी तो बेटी है ना, उपहार समझ के रख ले। अरे नहीं नहीं ताई, आप तो जानती है ना कि हमारी बिरादरी में ऐसा लेन देन का कोई चलन नहीं है। नहीं ताई। शांता, तू इसे रखेगी ना तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। तुझे अच्छा लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि तू सारा घर लुटा दे उस पर। आई, शांता हमारे घर में कितने समय से काम कर रही है, हमारा कुछ तो धर्म बनता है ना। अच्छा, अब तू सिखाएगी मुझे कि धर्म क्या होता है। चला निकले। काय गए शांता, तू क्या सोचती हमेशा कि मैं बस हमेशा डांटती रहती हूं ना, मुझे कभी किसी की परवाह है ही नहीं। नहीं अजी, मैंने ऐसा नहीं सोचा। तो तू बिल्कुल गलत सोच रही है। ये के? नहीं नहीं अजी, मुक्ता को मेरा प्यार देना। शांता ले ले, आई का आशीर्वाद समझ कर। आता घेतेस की पुनः ओल्डू? डांट खानी है मेरी? अच्छे से शादी करना मुक्ता की। अजी, आपकी बहुत उपकार है।
जैसे तूने मुक्ता के दिन फेरे ऐसे सावित्री के भी दिन फेरे। उस पे कृपा करो देवा, उसे भी कोई अच्छा सा दूल्हा जल्दी से मिल जाए। हे देवा। ताई, ताई चलो बाग बकरी खेलते हैं। ताई क्या हुआ? ताई ताई कुछ तो बोलो ना। सावित्री कहाँ छुपी है मेरी गुड़िया? आज तो सुबह से दिखाई नहीं दी। हमेशा नदी से खिली खिली रहने वाली मेरी गुड़िया आज उदास क्यों है? क्या हुआ, आज इन्हें डांटा क्या? अच्छा तो अपने आजी का गुस्सा तुम अपने बाबा पर उतारोगी? क्या हुआ सावित्री, सिद्धू ने मारा तुम्हें? सिद्धू जी ने कुछ कहा? क्या बात है? नहीं बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। मुक्ता इससे कट्टी हो गई है, अब वो अपने ताई को सहेली नहीं मानती, इसलिए ताई उदास है। वो कल रात को भी बहुत रो रही थी बाबा। क्या बात है सावित्री, अपने बाबा को नहीं बताओगी? मुक्ता मुझसे कट्टी है, अब वो मुझसे कभी बात नहीं करेगी। नहीं नहीं, मुक्ता तुमसे कट्टी नहीं है। बाबा वो मुझसे कट्टी है। देखो बेटा, मुक्ता ने जो कुछ भी किया उसने अपने आई की खुशी के लिए किया। तुम तो उसकी शादी रोकना चाहती थी, तुम अपने जगह पर सही थी, और उसके आई की कोई मजबूरी हुई होगी, इसी वजह से उन्हें मुक्ता की शादी गुनाह से करनी पड़ी। बेटा, मुक्ता अपनी आई की कमजोरी और मजबूरी समझती है, वो नहीं चाहती कि उसके आई को कोई तकलीफ हो। शायद इसीलिए उसने तुमसे इस कड़ाई से बात की हो। बाबा आप सच कह रहे हो? हाँ बाबा, सच्ची में। बिल्कुल, देखो बल्कि मैं तो ये सोचता हूँ कि तुमसे इस तरह से बात करकर उसे भी बहुत दुख हुआ होगा। सावित्री, मुक्ता और तुम दोनों अच्छे दोस्त हो और हमेशा रहो। सच्ची? हाँ। तो वो मुझसे कट्टी नहीं है? नहीं। मुझे माफ कर दो मुक्ता, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। जानती है मुक्ता, तेरी शादी के बाद तेरा एक अपना जीवन होगा, तेरा घर होगा, तेरा खुद का एक परिवार होगा, और उस परिवार के साथ तेरा नाता हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। और मुक्ता, शादी के बाद तो मुलगी नहीं रहेगी, एक औरत हो जाओगी। लेकिन आई, मैं तो तुम्हारी ही मुलगी रहूंगी ना। अरे इसकी नाक तो देखो, बिल्कुल मेरी तरह है। मेरी तरह नहीं होना चाहिए था, इसकी नाक तुम्हारे ऐसे होना चाहिए था, लेकिन फिर भी कितनी सुंदर लग रही है।
आई, क्या हुआ आई? कुछ नहीं, चल रात बहुत हो गई है, तू सो जाओ। आई, तुम बाबा के बारे में सोच रही थी ना? हाँ। मैं भी उनके बारे में ही सोच रही हूँ। आई, अगर आज बाबा होते तुम इतनी मेरी शादी की चिंता नहीं करती ना, किसी से मदद भी नहीं लेनी पड़ती। हाँ मुक्ता, तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते थे, राज वो होते ना तुम्हारी शादी बहुत अच्छे से करते, बहुत अच्छे से करते। आई, एक बात पूछूं? मैं जानती हूं तुम क्या पूछने वाली हो, यही ना कि तुम्हारे बाबा कैसे मरे? आज तक ये बात मैंने तुमसे छिपा कर रखी, पर आज मैं झूठ नहीं बोलूंगी। क्योंकि शादी के बाद एक मुलगी अपने आई की मुलगी नहीं रहती, एक सहेली हो जाती। अब तो मेरी सहेली बन गई हो, इसलिए आज मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी। मुक्ता, मुक्ता, तुम्हारे बाबा की मौत किसी बीमारी से नहीं हुई थी, बल्कि पंतो जी भिन से बोर कर सबने मिलकर उन्हें पीट कर मार डाला था। ब्राह्मण देवता के आंखों में धूल छोकता है। नहीं मालिक, बहुत प्यास लगी थी इसलिए पानी पीने गया था, भूल गया था मालिक। भूल गया था? अभी याद दिलाता हूं, भूल गया था ना, भूल गया था, 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 भूल गया था। अरे अपनी जात को भूलता है, इसे याद दिलाओ अपनी जात, मारो। मुक्ता, सुना तुमने सच, यही सच है। चलो सो जाओ। बात नहीं समझ पाई कि आखिर क्यों क्यों शांता ने अब इतने सालों बाद मुक्ता को पंकु की मौत की सच्ची बात बताई। फिर नामदेव काका के समझाने पर यह समझ पाई कि मुक्ता को यह बताने का सबसे सही वक्त था। अब मुक्ता और शांता सिर्फ माँ और बेटी ही नहीं थे,
बल्कि एक दूसरे के दोस्त हो गए थे, एक दूसरे के सुख दुख को समझने वाले। और फिर कल तो मुक्ता हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाने वाली थी। अगर अब भी शांता पंकु की मौत की सच्चाई नहीं बताती तो फिर कभी नहीं बता पाती। खाने में हम आपके लिए क्या बनाए? चलो आज मैं खाना बनाती हूँ। आपको खाना बनाना आता है? हाँ, हम शहर वालों को भी खाना बनाना आता है। कहाँ से सीखा आपने खाना बनाना? जब हम हॉस्टल में थे ना, तो वहाँ पर सब कुछ सीखा था, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना सब। हम 2 मिनट में आते हैं। कितनी सुंदर है शिवानी, इतनी कम उम्र में विधवा हो गई। शांता की भी तब यही उम्र रही होगी। ऐसा लग रहा है जैसे पिछले 200 सालों से कुछ भी नहीं बदला। शांता के समय तो विधवाओं को विवाह करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। फिर भी शिवानी ने दूसरी शादी क्यों नहीं की? शादी संपन्न हुई, अब बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। सुखी रहो। अरे अक्का, तुम हो? मुझे लगा कि बाबा है। बाबा भी है घर पे, जगाऊं क्या? अरे शिवा, और कितना इंतजार करना पड़ेगा, वहाँ घर पे हमारा इंतजार हो रहा होगा। मुक्ता, तू आज अपने ससुराल जा रही, लेकिन मेरे मन से नहीं, मैं हमेशा तुझे याद करते रहूंगी।